सो इन द दंटीन्यूशन ऑफ़ दिस बुक रीडिंग अगेन बहुत से फैक्ट हैं जिस फैक्ट को हम ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन तो बता दें कि पहला फैक्ट जो है वो टॉकिंग अबाउट द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज़ पब्लिश बाय तो जो ये जर्नल है आई के द्वारा पब्लिश होती है और इसमें जो भी रिसर्च आप करते हैं उसको पब्लिश कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड उसके बाद एलोइंग ऑफ लीफ मे बी ड्यू टू द डिफिशियो यहाँ पर आप, तो आप देखोगे यहाँ पर आपका जो आंसर दिया हुआ है वो है सल्फर तो अगर देखें डिफिशियसी का सल्फर डिफिशंसी इज रिजल्ट इन ए यूनिफॉर्म पेल ग्रीन क्लोरोसिस होगा आपका देखोगे यहाँ पेल ग्रीन क्लोरोसिस होगा थ्रू आउट द प्लान एंड डू नाट रिटेन ग्रीन कलर एंड इन द मैनी केसेस दे मे बीवेंट दे मे बी इवन पेलर दैन द इंटरवेनल टिश्यू तो आप देख सकते हो इसके सिम्टम्स इस तरह कुछ दिखेंगे कि आप देख सकते हो पूरी जो वेंस है और ऑल जो है आपकी एक यूनिफॉर्म एलोविंग स्टार्ट हो जाती है और उस होता क्यों है बिकॉज ऑफ़ द सल्फ़र डिफिशेंसी तो दिस इस, इसमें याद रखिएगा यूनिफॉर्म पेल ग्रीन कलर मतलब जो धीरे धीरे कलर चेंज होने लगता है डार्क डार्क से लाइट होने लगता है और ई जो बेंस होती हैं जो इसकी इवेंट्स होती हैं लीफ की वो भी ग्रीन uh, नहीं रहती हैं वो भी पेल होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो दिस इज़ द वन ऑफ द पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सल्फर डिफिशियंसी अब उसके बाद बात करते हैं द ग्रीन द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज फ्रॉम द फील्ड इज तो आप देख रहे हो कि मेथेन है वो रिलीज होता है और बता दूं आपको कि जो ये मेथेन है वो बिकॉज ऑफ द एनोरोबिक डिकम्पोजिशन जब होता है इस पैड राइस का राइस का इन द प्रेजेंस ऑफ मेथोजेनिक बैक्टीरिया जो होती हैं तो जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं मेथेन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी प्रॉब्लम फॉर द राइस ग्रोइंग एरिया जहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैस का एक तरह से कंट्रीब्यूशन uh, करता है उसके बाद ए, बात करता है एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो आइपोमिया बैटाटा तो क्या है आपको बता दूं एडवेंशियस रूट सिस्टम है यहाँ पर कुछ मैं आपको और एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे कि यूडिबल पार्ट किसके किसके खाए जाते हैं तो आपको देखोगे यहाँ पर बहुत से एग्ज़ाम्पल जैसे है कैरेट है बीट रूट है रेडिस है टर्निप है, है स्वीट पोटैटो तो ये सब एग्ज़ाम्पल गुड एग्ज़ाम्पल हैं जिनके हम रूट्स को एज ए फूड की तरह खाते हैं तो ये गुड एग्ज़ाम्पल हैं उनके उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निकज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ एज ऑफ फजाइल कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हो अगर उसकी एज को डिटरमाइन करना चाहते हो तो ये कार्बन जो डेटिंग टेक्निक है ये बहुत ही सूटेबल है और कैसे कर सकते हो आप जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है आल्सो रिफर्स टू एज ए कार्बन डेटिंग आर कार्बन फोर्टीन डेटिंग जिसका ये कह सकते हो कि एक आइस कार्बन का एक आइसोटोप यूज़ करते हैं इसके द्वारा जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिकली जो डिकम्पोज जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है तो उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो थ्रू दिस आइसोटॉप कार्बन फोर्टीन के द्वारा कि उसकी एज क्या है फोसाइल फुल जो है डिकम्पोज हुआ उसकी क्या प्रॉपर एज है तो उस टेक्निक को बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक उसके बाद बात करते हैं इरिगेशन मेथड विच इज सुटेबल फॉर सोयल तो बता दूंगा आपसे यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है फ्लड मेथड जो फ्लड मेथड है वो बहुत ही सुटेबल होता है फॉर फ्लाइन सोयल होती है तो उस कंडीशन में फ्लड मेथड बहुत ही मोस्ट सुटेबल मेथड है ऐसा क्यों है क्योंकि जो सालबुल साल्ट होते हैं अगर फ्लॉड मेथड आप यूज़ करोगे तो उसका लीचिंग हो जाता है जिसके द्वारा से आपकी जो सॉइल्स की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाती है और कुछ आप देख सकते हो कि सलाइन सॉइल कंडीशन जब होती है तो किस तरह से डेवलप हो जाता है देख साल्ट जो होते हैं ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं और जिसके वजह से आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो अगर आप फ्लडिंग मेथड द्वारा करोगे तो इन साल्ट का जो होता है वो लीचिंग हो जाएगा नीचे की तरफ उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत सलाइंस सोइल तो आप देख देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो फोर डे से ज़्यादा होती है और पी लेस होता है एट से और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो आपका लेस देन फिफ्टीन होता है तो ये पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके आपके सलाइन वॉयल के इसी ज़्यादा है क्योंकि इस सॉयल में सालवुल साल्ट कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है और इसी जो है एक इंडिकेटर है सॉइल के सालवुल साल्ट कंसनट्रेशन का तो आप देख सकते हो केवल ई जो है वो वैल्यू मोर देन फोर है नहीं तो सब जो पी एच और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ये वैल्यू जो है लेस है उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिजीज एंड ट्राउट रेजिस्टेंस तो वो जो एलिमेंट है वो कौन सा है आपका पोटेशियम है याद रखिएगा और पोटेशियम के कुछ और रोल्स के बारे में अगर बात करें जैसे पोटेसेंथेसिस में इसका रोल होता है पोटेशियम रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और जिसके वजह से क्या होता है कि आपका देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपटेक को रेगुलेट कर लेता है एंड पोटेशियम ट्रिगर्स द एक्टिविटी ऑफ़ एंजाइम एंड इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए ये कर, एक तरह से एनर्जी करेंसी होती है तो इसके लिए भी एसेंशियल होता है ए प्रोडक्शन के लिए और जो भी एंजाइम्स हों उनके लिए एक तरह से ट्रिगर का काम करता है और बिकॉज ऑफ क्लोजिंग एंड स्टोमेटा को ये गवर्न uh, करता है दैट्स द जो रेगुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अपटेक को तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक रेगुलेट होगा तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा फोटोसेंथेसिस रेगुलेट हो जाएगा तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन इन फंक्शनों में है उसके बाद एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट तो आपका बता दूँ वो है फास्फोरस एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहा है और स्टोरेज की बात अगर कर रहा है तो इसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है वो है आपका फासफोरस अगर फास्फोरस की और जो हम अगर फंक्शन की बात करें तो फास्फोरस इज ए वाइटल टू प्लांट ग्रोथ एंड इज फाउंड इन एवरी लिविंग प्लांट सेल इट इन्वॉल्व इन सेवरल की प्लांट फंक्शन इंक्लूडिंग एनर्जी ट्रांसफरथ इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए जुगर स्टाच न्यूट्रिय मूवमेंट विद इन द प्लांट एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन तो जो डी एन ए होता है जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें भी जो फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो भी कोडिंग है इन्हीं में के थ्रू वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है तो ये सब आप देख सकते हो कि फंक्शन है जैसे एनर्जी ट्रांसफर होते ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फॉसफोरस के उसके बाद हम बात करते हैं हाउ मेनी न्यूट्रिय आर टर्नड एज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट तो आप दिखा दो यहाँ पर सेवनटीन जो है एसेंशियल न्यूट्रेंट्स होते हैं तो so, एसेंशियलिटी की क्राइटेरिया क्या है अगर आप देखोगे असेंशियलिटी की क्राइटेरिया तो आपको यह है कि थ्री क्राइटेरिया है जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है किसी भी एलिमेंट्स को फार बिकमिंग है एसेंशियल तो पहला क्या है ए प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट द लाइफ साइकिल इन द एबसेंस ऑफ एलिमेंट उसके अबसेंस में प्लांट कंप्लीट नहीं कर सकता अपनी लाइफ साइकिल उसके बाद एक्शन ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक उसका एक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए विथ नो अदर एलिमेंट बींग एबल टू कम्प्लीट दब्च्यूट उसके उसका सबस्टिट्यूशन किसी और से नहीं किया जा सकता दूसरा हो गया क्राइटेरिया और तीसरा क्राइटेरिया क्या है एलिमेंट मस्ट बी हैव द हैव टू बी सोन डायरेक्टली इन्वॉल्व डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इट मस्ट बी ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे और एट लीस्ट भी रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एन एसेंशियल एंजाइम तो ये थर्ड जो है कि आपका ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसी न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट में और ये किसी चीज़ का कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए आप मेटाबॉलिक पाथवे

लेकिन नाउ द निकल आल्सो कम अंडर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट्स व्हाई नाउ इट वीडियोस बिकम द 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो एपिकल उसके बाद का जो फैक्ट है एपिकल बड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय ड्यू टू तो द ऑक्सिन हार्मोन्स याद रखिएगा एपिकल जो बड डोमिनेंस करती है वो किसके द्वारा ऑक्सिन के द्वारा आपसे बता दूं जैसे कि एपिकल बड डोमिनेंस है क्या अगर आप देखोगे यहां पर तो ये देख देख सकते हो कि टिप्स है सूट टिप्स है तो जब आपका सेंट्रल टिप डोमिनेट करता है देन द लेटरल जो सूट्स होते हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं आपका एपिकल डोमिनेंस तो ये देख रहे हो एपिकल डोमिनेंस है और अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ से लेटरल जो सूट होते हैं वो जो एग्जैक्टली बर्ड्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं तो क्यों होता है ऐसा बिकॉज ऑफ द यहाँ पर जो टिप्स होती है एप, एपिकल का वहाँ पर ऑक्सीजन का सेंथेसिस होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ़ दैट जो ये लेटरल शूट्स होते हैं ये ग्रो नहीं करते हैं और यही ग्रो करता है तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं आपको एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं तो और आपसे बता दूँ साइटोकाइनिन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है इन द रूट एंड कैन स्टिमुलेट द लेटरल बर्ड इफ द शूट टिप इज रिमूव तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन जो होता है वो रूट में यहाँ पर क्या होता है ये फॉर्म होता है और अगर इसको हम कट कर देते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर आपका ऑक्सीजिन नहीं फॉर्म होगा देन दैन वट ये लेट्रल्स मूव करने लगते हैं तो ये है समथिंग अबाउट द रोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजीन का रोल है एपिकल बर्ड डोमिनेंस में और जो साइटोकाइनिन है ये प्रमोट करता है लेटरल बर्ड फॉर्मेशन एज वेल एज द रूट उसके बाद द हाइस्ट कंजम्पशन आप uh, पोटासिक फर्टिलाइजर की बात कर रहा है तो बता दूं आपसे महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा पोटास फर्टिलाइजर का कंजम्पशन करता है उसके बाद द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन द वर्ल्ड कौन सा है तो आपको बता दू वीट है एज पर द अगर अभी अपर तो यू एस अगर देखोगे अभी तो क्या है यू यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एस्टिमेट किया है कि द वीट वर्ल्ड प्रोडक्शन ये 1920 में विल बी सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर पॉइंट फोर सिक्स मिलियन मेट्रिक टन

एंड दैट्स वाई ये किंग ऑफ सीरियल भी इसको बोलते हैं टॉप सोरगम तो यहाँ पर दिया हुआ है नाइन टू ट्वेल्व के जी इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इट्स टोटली फैक्ट है उसके बाद डी सक्रिंग यहाँ पर दिया हुआ है इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ किसका है टोबैको टोबैको की क्वालिटी को जो लीव्स की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिसज हैं उसमें एक डी डिसक्रिंग होती है इसके अलावा टॉपिंग भी करते हैं टोबैको में तो इसके थोड़ा हम डिस्कस कर लें टॉपिंग इज द रिमूवल ऑफ द टोबैको फ्लावर जो फ्लावरिंग है उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते यहां, कर देते हैं यहाँ टॉपिंग कर देते हैं वाइल द सकरिंग इज द डी सकरिंग करते हैं उसको क्यों प्रूनिंग आउट ऑफ द लीफ दैट आर अदरवाइज अनप्रोडक्टिव तो कुछ लीव्स के जो सकर सो होते निकलते हैं उनको हम uh, जो अनप्रोडक्टिव है उनको हम प्रून कर देते हैं जिससे कि जो हमारी डिजायर्ड लीव्स हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट का डाइवर्जन उस मेन लीफ की तरफ हो जाएगा उसके बाद नेम ऑफ द वीट च वॉज फर्स्ट कंट्रोल्ड बायलॉजिकली कंट्रोल तो बता दो लेंटाना कैमरा जो है एक वीड है जो कि फर्स्ट टाइम हमने बायोलॉजिकली उस तो आप देखोगे कि लेंटाना कैमरा जो है जो टू लीव फीडिंग बिटल हैं क्राइसो मेलेडी बिटल इस परीज हैं एक्टोटोमा इसबरी पेनिस एंड यूरोप्लाटा ग्रियलडी इन दो बिटल्स uh, को यूज करके जो फर्स्ट टाइम किसको जो इस लेंटाना कैमरा जो वीड था इसको बायलॉजिकली कंट्रोल किया गया सो so, तो याद रखिये कोई पूछता है कि फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल किस वीड का किया गया तो याद रखिएगा कैमरा है और जो दो यूज किए गए थे थे वो लीफ फीडिंग ऑक्टोटोमा एंड यूरोपैलेट बेटल तो ये दो बेटल थे द स्टेट वेयर दीट ला इज अडॉप्टेड तो याद रखिएगा कर्नाटका जो है वहां पर फर्स्ट टाइम सीट ला को अडॉप्ट किया गया अगर हम सीट ला के बारे में थोड़ा देखें तो ये ए एक्ट रेगुलेट करता है क्वालिटी ऑफ सीड मटेरियल जो कि हम प्रोवाइड करेंगे सेल करेंगे टू द फार्मर उससे कनेक्शन में ये ला डील करता है और इसको इसी एक्ट को 1966 में एक तरह से आप कह सकते हो कि सीड एक्ट भी इसको कहा जाता है तो मेन प्रोविज़न क्या है इसका सीड की क्वालिटी को मॉनिटर करना रेगुलेट करना जो कि हम सेल करते हैं उससे रिलेटेड होता है फर्स्ट टाइम इट वॉज़ एडाप्टेड इन वेयर इन कर्नाटका तो आपसे बता दूं ये टेंशियोमीटर जो है इसके द्वारा हम सोयल मॉइस्चर टेंशन को डायरेक्टली मेजर करते हैं और आप देख सकते हो मीटर है जहाँ पर आपको डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पर ये देखो लार्ज कप फॉर इजी क्ल, क्लोजर विद द लीक प्रूफ सील ये ऐसे क्लोजर को बनाते कि वाटर जब फिल कर दें तो उसके बाद ये टाइटली क्लोज हो जाए और ये आप देख सकते हो कि एक गेज है जिससे कि हम रीडिंग को मेजर करते हैं और ये टोटली बॉडी है और ये है सीरेमिक पोरस सीरेमिक कप जिससे क्या कि जब ये हम वेदॉस जोन जो सॉयल का होता है वहाँ पर इसको हम इंसर्ट करते हैं तो जो वाटर हम फिल किए रहते हैं इस बॉडी में वो धीरे 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 सक्सन के द्वारा सॉइल से ये क्या करता है इधर किधर निकलने लगता है और यहाँ पर जो ये एनर्जी के द्वारा बाहर निकलता है उसको हम यहाँ मेजर कर लेते हैं तो वो जो मेजर करता है वो क्या मैं मतलब सोयल मॉइस्चर टेंशन को वो डायरेक्टली मेजर कर लेता है तो आप देखोगे ए टेंस्यूमीटर इज सॉइल इन सोयल साइंस इज़ ए मेजरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द मैट्रिक वाटर पोटेंशियल इन द जोन तो मैट्रिक याद कीजिएगा मैट्रिक वाटर पोटेंशियल को ये मेजर करता है इन बेदस जोन स्वाइल में ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं इबाबो ट्रांसफारेशन इज मेजर्ड बाय तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं उसका नाम है लाईसी एंड आप देख सकते हो इस तरह से हम फील्ड में लाईसी को इंस्टॉल करते हैं ये है लाईसी मीटर यहाँ पर दिए हुए हैं डिफरेंट यहाँ पर लगे हुए हैं और जो इवैपोरेशन यहाँ से होगा एंड ट्रांसफरेशन फ्रॉम दिस फील्ड सो वी कैन मेजर थ्रू दिस लाइसी मीटर उसके बाद बात कर रहा है पार्शियल फ्लूम इज़ यूज टू यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो ओपन जो चैनल्स होते हैं उसमें हम पार्सल फ्लूम को इंसर्ट uh, करते हैं आप देख सकते ये जो है पार्सल फ्लूम है जो कि डायग्राम uh, है फ्री uh, फ्लो जो है यहाँ पर मेजर कर रहा है ओपन चैनल में तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है इसका यहाँ एक देखोगे आपको थ्रोट्स uh, है और इधर से वाटर फ्लो करता है देन यहाँ हम उसको मेजर कर लेते हैं क्या फ्लो रेट है ओपन चैनल में तो दिस वाज समथिंग लिटिल बिट अबाउट द पार्सल प्लूम याद रखिएगा कि मतलब ओपन चैनल में इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो किस रेट से वाटर का फ्लो हो रहा है थ्रू दैट चैनल बाद हम बात करते हैं फ्लड मेथड इरीगेशन इज सुटेबल फॉर इन विच क्रॉप तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइस और जूट जो है जिसमें फ्लड मेथड मोस्ट कॉमन है आप देखोगे कि, कि राइस और वीट राइस और जूट जो है, है ये ऐसी एरिया में लोअर इंडो कैंगेटिक प्लेन एरिया में प्रीवेलेंट है तो वहाँ पर जो मेथड है वो मोस्ट सुटेबल क्या है आपका फ्लड मेथड इवन दो बिकॉज ऐसा है क्यों क्योंकि राइस और जूट दोनों है हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप और फ्लड मेथड क्या करता है ये प्रमोट करता है हाई वाटर एप्लीकेशन को तो सुटेबल किसके लिए है राइस और जूट के लिए उसके बाद द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू द इरीगेशन इज नोन एज अगर आपको फर्टिलाइजर इरीगेशन आप के साथ आप फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन इरीगेशन के साथ साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिगेशन आपको एक पिक्चर दिखाते हैं आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक फार्मर कन्वेंशनल मेथड के द्वारा फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहा है तो इससे क्या डिसएडवांटेज है? है इसके लिए आप देख रहे हो लार्जर डोज आप अप्लाई करोगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड आप देखोगे उससे क्या होगा लॉसेस होगा लेकिन जब फर्टिगेशन करते हैं हम तो फर्टिगेशन के टाइम पे जो पानी हम देते हैं थ्रू दैट उसी के थ्रू हम क्या करते हैं न्यूट्रियट को देते हैं तो एज पर द अपटेक ऑफ द प्लांट जिस रेट से वाटर को लेगा उसी रेट से उस न्यूट्रियट को भी वो ले लेता है तो हमारा लॉसेस क्या होगा कम होगा तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट कह सकते हो मेथड ऑफ द फर्टिलाइजेशन टू आवर क्रॉप इज द फर्टिगेशन मीन्स साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हो आप वाटर के साथ ही इंसर्ट कर रहे हो न्यूट्रिएंट uh, को भी प्लांट के अंदर और इसमें क्या होता है कि आप डालोगे मे बी सॉइल मॉइस्चर नहीं रहेगा उस टाइम पर तो क्या होगा कि आपका प्लांट उस न्यूट्रिय को नहीं ले पाएगा और जिससे लॉसेस होगा तो दिस इज द समथिंग अबाउट द फर्टिगेशन अब कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन राइस फील्ड उसको क्या बोलते हैं तो पर्लिंग आपको पता होगा इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि हमको करना पड़ता है जिससे कि हमको सॉइल को प्रिपेयर करना रहता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द राइस तो देख सकते हो कि ये एक तरफ चर्निंग करते हैं सॉइल को ये हैवी इधर ट्रैक्टर और बुलक मीनस तो उससे क्या होता है कि ये जब चर्निंग होती है सॉइल की तो आप देखोगे चर्निंग होने से क्या होता है जो फाइन पार्टिकल हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो जो कोर्सर पार्टिकल हो नीचे की तरफ जाते हैं तो होता क्या है इसमें एक इम्परवियस्ट लेयर बन जाएगी ऊपर जिससे क्या होगा आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो जाएगा और आपको पता है कि राइस में क्या है वाटर का स्टेगनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर लविंग प्लांट है तो बिकॉज ऑफ दैट जब ये इम्परवियस लेयर बन जाएगा तो वाटर का लॉस कम होगा जिससे वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी मीन्स इरिएशन उतनी फ्रिक्वेंट हमें नहीं देनी पड़ेगी और एक आइडियल कंडीशन है जो कि वो क्रिएट हो जाता है राइस के फील्ड में जिससे राइस की अच्छी क्रॉप होती है ठीक है द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन सीरियल अकाउंट ऑफ टेन परसेंट आपका करीबन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होता है सीरियल में उसके बाद बोल रहा है साल्टेशन इज प्रोसेस ऑफ तो साल्टेशन ये बता देता हूँ आपको ये विंड डिजन का एक स्टेज है जो कि इस्टेप है और आपसे बता दूँ आप देखोगे साल्टेशन यहाँ विंड जब हीट करता है इस सॉइल को तो पहला स्टेज क्या है आपका साल्टेशन होता है उसके बाद ये क्या करेगा कुछ पार्टिकल जो फाइनल होते हैं वो हवाओं में उड़ के सस्पेंशन बन जाते हैं और कुछ जो बोल्डर थोड़ा हैवी होते हैं उनका क्या होता है सरफेस क्रीप होता है तो ये सरफेस क्रीप हो रहा है और ये साल्टेशन जो है थोड़ा सा जंप करके आपको यहाँ पर आ जाएगा तो दिस इज़ द व्हाट यू कैन से साल्टेशन सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप तो सस्पेंशन उनका होगा जो बहुत ही फाइनल पार्टिकल हैं वो हवाओं में उड़ जाएंगे आपको देखिए उड़ते हुए दिख रहे हैं और सरफेस क्रीप उनका होगा जो थोड़े हैवी होते हैं जो लिफ्ट नहीं हो पाते हवाओं में और साल्टेशन uh, उनका होगा जो थोड़ा सा मीडियम होते हैं और उनकी थोड़ी डिस्टेंस जंप करके के यहाँ पर आ जाता है तो दिस इज़ द व्हाट सम व्हाट अबाउट द डिफरेंट मैकेज़म्स थ्रू दैट विंड काज द इरोज़न तो अब बात करते हैं इरीगेशन इफिशियसी आप यहाँ कर रहा है लोम सॉइल का तो सबसे देख रहे हैं हाइस्ट जो होती है जो सॉइल की वो सेवेंटी परसेंट हाइएस्ट होती है किसमें लोम सॉयल में हाइस्ट इरीगेशन इफिशियसी तो एक्चुअली इरीगेशन इफिशेंसी की अगर हम बात करें तो है ये क्या एक तरह से ये एक इरीगेशन इफिशियंस क्रिटिकल मेजर ऑफ़ क्या है इरगेशन परफॉर्मेंस हम जो भी इरीगेशन देते हैं उसका परफॉर्मेंस करने का एक क्रिटिकल इरीगेशन इफेंस जो है क्रिटिकल मेजर है आपने कैसे वाटर अप्लाई किया और आपकी इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या थी और कितने परसेंट आप अचीव कर पाए कितना मान लीजिए आपको वन लीटर चाहिए था एक आपका इरीगेशन रिक्वायरमेंट था आपने किसी सिस्टम के द्वारा या जो या थ्रू आउट द मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपने जितना अप्लाई किया उसका कितना इफिशियटली आपका रिक्वायरमेंट जो वन लीटर का था आपको अचीव कर पाए तो उसके लिए एक जो इरिगेशन इफिशियंसी क्या है क्रिटिकल मेजर है ठीक है इन द टर्म्स ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू इरीगेट द फील्ड फार्म और इंटायर वाटर शेड एक वाटर शेड के लिए या एक इरीगेशन एक फील्ड के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड था आपको और आपने कैसे सिस्टम को अडॉप्ट किया या कैसे किया थ्रू दैट आप कितना परसेंट मान लीजिए हंड्रेड परसेंट था और आपने कितना परसेंट अचीव कर पाया इस हंड्रेड परसेंट का तो वो एक तरह से किसी भी चीज़ का आप ये क्रिटिकल मेजर है इरीगेशन इफिशियंसी थ्रू दैट आपको पता चलेगा तो उसके वजह से आप क्या कर पाओगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरीशन इफिशियंसी कंसेप्ट इज टू डिटरमाइन द वेदर इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड इन बोथ द इरीगेशन सिस्टम एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन प्रोग्राम विच विल लीड टू एन इफ़िशियंट इरीगेशन वाटर यूज़ तो आपको बता दें जो इसी मेजर के द्वारा अगर आपका कम है तो ये पता चलेगा कि नहीं अभी हमें इम्प्रूव करने की अपने सिस्टम को और ज़रूरत है या नहीं या हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में कहाँ फॉल्ट है तो एक तरह से ये क्रिटिकल मेजर है थ्रू डैट आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम इफ़िशियंट है या नॉन नॉन इफिशियंट है उसके बाद सोइिंग पैटर्न यूज इन ड्राई लैंड तो बता दें आपसे ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कामनली यूज किया जाता है ड्राई लैंड में ड्राई लैंड आपको पता होगा ड्राई लैंड मीन्स द एरिया विच रिसीव्ड लेस देन सेवन हंड्रेड फिफ्टी एम एम ऑफ द रेनफॉल उसको क्या बोलते हैं ड्राई लैंड बोलते हैं उसके बाद मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरीगेशन तो बता दूँ आपसे ड्रिप इरीगेशन अभी तक जो है मोस्ट इफिशियंट मेथड जो इवॉल्व हुआ है उसको बोलते हैं और मैंने बात किया था ना इरीगेशन इफिशियंसी का तो इसमें सबसे ज़्यादा इरीगेशन इफिशियंसी आपको अचीव होगी किसमें ड्रिप इरीगेशन में तो अगर आपका कोई सिस्टम इनफिशियंट है तो इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी जब किसी ऐसे सिस्टम को आप एडाप्ट करोगे तो एक्सटेंसिवली ड्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया तो बता दें आपसे क्या है चिकपी है आप देख चिकपी को देखोगे तो चिकपी है क्या चिकपी को एक एनुअल लेगम है आप द फैमिली ऑफ फेवेसी सब फैमिली फेबोडी फैबोडी है एंड इट इज डिफरेंट टाइप्स और नोन पहले इसको ग्राम बंगाल ग्राम गर्बैनजो बीन इजिप्टन पी चना एंड छोला इन सब नामों से भी जाना जाता है अमीनोफिलिक प्लांट्स आपको बता दिया दिया है तो शुगर केन और राइस जो है अमीनोफिलिक है मीन्स ये लोग ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो अमोनिया को काफ़ी प्रिफर्ड करते हैं तो दैट्स तो तो वाई वी कैन से दिस इज द एमिनोफिलिक प्लांट्स नाइट्रेट के अलावा आपको पता होगा नाइट्रोजन दो फॉर्म में प्लांट लेता है एक तो एनओ थ्री नाइट्रेट और एक है अमोनिया अमोनियम तो ये दो प्लांट्स क्या हैं काफ़ी इफ़िशेंटली इस फॉर्म में लेते हैं तो आप कह सकते हो कि ये दोनों प्लांट क्या है? अमीनो -फिलिक प्लांट हैं अमिनोफिलिक प्लांट्स हैं उसके बाद क्रॉप रोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर अगर क्रॉप को ग्रो कर रहे हो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर ऐसे क्रॉप को क्या बोलते हैं मल्च क्रॉप तो ऐसे वो क्रॉप्स होंगे जिनका ट्रांसपारिशन रेट कम होगा और उनकी रूटिंग सिस्टम काफ़ी इफ़ेंट होगी काफ़ी डेवलप्ड होगी जो कि सॉइल्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करे तो क्या होगा सॉइल का आप मॉइस्चर का कंजर्वेशन कर सकोगे और ऐसे क्रॉप्स को आप देखोगे मल्च क्रॉप बोलते हैं एग्जाम्पल आप इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स तो इरोजन के परमिट करने वाले ऐसे क्रॉप्स कौन है जैसे इसमें मेज यहां दिया हुआ है अगर हम आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं जैसे इरोजन परमिटिंग क्रॉप जैसे आपका देख रहे हो जो आर बाजरा है मीन्स जिनका ग्रोथ पैटर्न ऐसा होता है कि रेन जगह फॉल होती है तो सीधा वो सॉइल को बिट करेगा और उनकी सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है आप देखोगे बाजरा ज्वार के इनके रूट सिस्टम उतने डेवलप नहीं होते हैं और ये काफ़ी वाइडर स्पेसिंग पे इनकी सोइंग होती है तो जिससे क्या रेन का ड्रॉप सीधा सॉइल को टच करेगा ठीक है और सॉइल को ये बाइंड नहीं कर किए रहते हैं तो जिससे क्या होगा इरोज़न लीड होगा और उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल दिए जैसे इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप जैसे ग्राउंड नट है मटकी है उलगा है एंड सोयाबीन है इनका नेचर क्या है सॉइल को ये लोग कवर कर देते हैं और इनकी रूट सिस्टम काफ़ी डेवलप होते हैं जिससे जो सॉइल की बॉइंड करके रखता है तो ये क्या है आपके एक तरह से इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप हैं इसके जो डायरेक्ट बीटिंग होगी रैन की वो सॉइल को ना टच करके पहले फोलियज पे गिरेगा तो जिससे कि उसकी स्पीड है स्लो हो जाएगी दैन जो हमारा इरोज़न होगा वो नहीं होगा उसके बाद यहाँ पर अगेन वही चीज़ रिपीट कर रहा है तो आई डोंट थिंक ये इट अगेन नीडेड द एक्सप्लेनेशन उसके बाद हर्बिसाइड यूज एज ए प्री प्लांट इनकार्पोरेशन तो बता दो आपसे फ्लू क्लोरोलिन जो है वो है प्री प्लांट इनकारेशन में बेस्ट uh, एग्जाम्पल फ्लू क्लोरालीन है प्ली प्लांट इनकॉर्पोरेशन में क्या करते हैं प्लांटिंग से पहले हर्बिसाइड देट आर अप्लाइड प्रियोर टू प्लांटिंग प्लांटिंग से पहले हम उस हर्बिसाइड uh, को अप्लाई कर देते हैं एंड दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्वाइल

So इसको भी बोलते हैं. इसके मैंने बोला ना, जब रेजुअल है तो देख रहे हो गए हैं या जर्मिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हर्बिसाइड ये क्या करोगे काफी लंबे समय तक इनको कंट्रोल में करके रखेगा वीड का कंट्रोल होगा तो ऐसे हर्बिसाइड को प्री प्लांट हर्बिसाइड बोलते हैं उसमें बेस्ट एग्जांपल आपका है उसके बाद एग्जाम्पल तो आप C4 फोर वीड तो भतुआ बता दूँगा आपसे लंबस क्वार्टर बोलते हैं आप देख सकते हो ये जो है एक पिक्चर है भतुआ का ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका C4 फोर वीड का C4 C4 वीट फोर वीड और सी फोर प्लांट और C3 के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं आप देख सकते हैं जाके इस सीरीज़ में ऑलरेडी अवेलेबल है C3 थ्री बिटवीन द सी एंड सी जस्ट सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एसिमिलेशन साइकिल जो होती है इसमें सी फोर टाइप की होती है मीन्स जो प्रोडक्ट बनता है एक्जो मैलिक एसिड जो प्रोडक्ट होता है और उसमें सी थ्री में थ्री कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है पी जी ए बोलते हैं और इसका जो साइकिल सी फोर है इसलिए क्योंकि ये फोर कार्बन कंपाउंड को फॉर्म करता है तो इसके बारे में ज़्यादा मैं यहाँ नहीं बताऊँगा आप जाके देख सकते हो वीडियो अवेलेबल है प्रीवियस वाले में उसके बाद द बोटनिकल नेम ऑफ टू रोड बार्ले तो उसको डेस्टिकॉन बोलते हैं बता दूँ आपसे अवार्ले टू रो होती है और सिक्स रो भी होती है तो टू रो को आप देखोगे ये केवल दो रो है यहाँ पर देख सकते हो आप तो इसको हॉर्डियम डेस्टिकॉन बोलते हैं और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो सेम फैक्ट की बात कर रहा है नेम ऑफ द सिक्स रो वार्ले उसको हॉर्डियम वलगारी बोलते हैं तो आप देखोगे अब इसमें क्या है इसमें जो इसके हैं सिक्स रो हैं तीन इधर की तरफ दिख रहे हैं ये यहाँ पर

अगर वहाँ को क्वालिफाई कर लेती है देन टेक्नोलॉजी को वहाँ रिकमेंड कर दिया जाता है तो फर्स्ट टाइम किस में स्टार्ट हुआ था याद रखिएगा आपका मेज में 1957 में ठीक है उसके बाद व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन तो याद रखिएगा 10,000 पर हेक्टेयर प्लांट्स की रिक्वायर्ड होती है बीटी के लिए थोड़ा बहुत बीटी के बारे में जानते हैं आप बता दूं बीटी बीटी है क्या बीटी टी एक तरह से बैक्टीरिया जो बीटी है इसका पूर्व फार्म बैसिलस बैसिलसुलजेंसिस और इसको डिस इसको डिस्कवर किया था इसी वारी नाइनटीन जीरो वन में और ये बैक्टीरिया का एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है कि ये एक इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको क्रायो प्रोटीन भी बोलते हैं और ये किसके एक तरह से इंसेक्टिसाइड जो है इंडोटॉक्सिन के अंदर आता है तो ये जो है इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स था तो इसकी जीन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें वो कॉटन में तो जिससे क्या सेल्फ कॉटन सेल्फ इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि बॉल वॉर्म की जो प्रॉब्लम थी इसमें वो कंट्रोल हो गई तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बीटी कॉटन बोलते हैं और उसके लिए प्लांट पॉपुलेशन जो इकोनॉमिकली फिट मानी गई है वो टेन थाउजेंड पर हेक्टेयर याद रखिएगा अगर जिसे डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाई ये क्राप किसी क्राप के द्वारा क्या डेप्थ वाटर रिक्वायर्ड है थ्रू आउट द ग्रोविंग सीजन तो उसको क्या बोलते हैं हम डेल्टा ठीक है तो ये टेक्निकल टर्म है डेल्टा हम अगर यूज कर रहे हैं तो डेल्टा का मतलब डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय ए पार्टिकुलर क्रॉप तो ये सब था समथिंग अबाउट फैक्ट्स जो कि मैंने इस बुक से लिया था और मैंने ट्राई किया इसको इंटरेस्टिंग बनाना इसके बेसिक बारे में थोड़ा कोशिश किया कि एक्सप्लेन करूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए तो अगर उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आई है आपको तो इसको लाइक कीजिएगा और जो भी कमेंट आप दे सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए आप प्लीज इंप्रूवमेंट के लिए कोई कमेंट दीजिएगा अपने दोस्तों में इसके साथ शेयर कीजिएगा और आपने इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा